So next is a question number 6. Explain why fossil fuels are exhaustible natural resources. तो यहाँ पे आपको टर्म दिख रहा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे क्या बोला गया, देखो जो फॉसिल फ्यूल्स है उनको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्यों बोला जाता है. यानी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन क्वांटिटी इन नेचर एंड दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए. नाउ लेट्स सी द आंसर. फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड over a period of millions of years by the action of high temperature and high pressure on the remains of dead plants and animals. These fossil fuels are exhaustible natural resources because if these are exhausted by human activities cannot be recreated in a short period of time. The fossil fuels ko exhaustible natural resource isliye bola jata hai because jo fossil fuels hai it requires मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, देखो फॉसिल फ्यूल को बनने में कितना टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है. फ्रॉम द डेड वेजिटेशन एंड एनिमल्स दैट कैट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ. एंड हमने एक और चीज़ पढ़ा था कि फॉसिल फ्यूल को बनने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर प्रेशर चाहिए होता है. हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के बाद धीरे धीरे क्या होता है, फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन होता है. एंड दिस कैनॉट बी प्रोवाइडेड इन लेबोरेटरी. ये तो लेबोरेटरी में नहीं बनता है बिकॉज ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है. इट इज़ प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी विच इज़ बीनीथ द अर्थ. इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स. दस इट विल कम टू एन एंड बाई ह्यूमन यूसेज. सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 7. डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक. तो कोक का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलना है, उसका यूसेस बोलना है. कोक क्या है, कोक इज अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. तो कोक का फॉर्मेशन कैसे होता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. उसके बाद आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे वन बाई वन. फर्स्ट क्या है, देखो इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, कार्बन का एक ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होता है ये. नेक्स्ट इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक एज वेल एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल इन स्टोव्स एंड फर्नेसेस. तो कोक को एज डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल भी यूज़ किया जाता है, जैसे स्टोव्स में, फर्नेसेस पे. नेक्स्ट क्या है, देखो इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. तो कोक को क्या यूज़ किया जाता है, कोक को यूज़ किया जाता है स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए. इट गिव्स लिटिल और नो स्मोक. ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. इट इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. यानी कोक का यूज़ क्या पे किया जाता है, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. अभी लास्ट पॉइंट क्या है, देखो इट कैन बी यूज टू मेक फ्यूल गैसेस. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है. सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 8. सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. एज दिस ऑर्गेनिजम्स डाइड देयर बॉडीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद सैंड एंड क्ले. द एब्सेंस ऑफ एयर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर फॉर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिजम्स इन टू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. The petroleum deposits are usually found mixed with salt water. The petroleum is lighter than salt water and hence floats over it. तो petroleum कहाँ से obtained होता है, देखो first line पर आपको लिखा हुआ है petroleum was formed from organisms जो sea पर रहते हैं, that is aquatic organisms. As these organisms died, धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये organisms मर गए, that is when they died, their bodies सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी. धीरे धीरे क्या हुआ, उनका जो बॉडी है वो धीरे धीरे नीचे जाके सेटल होना शुरू हो गया, दैट इज एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विथ सैंड एंड क्ले. एंड धीरे धीरे वो बॉडी जो है, जो डेड बॉडीज है, वो कवर्ड हो गए विथ सैंड एंड क्ले. तो ये हम लोग समझ गए. नेक्स्ट क्या है, देखो द एब्सेंस ऑफ एयर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर फॉर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स
transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. तो क्या हुआ, over millions of years धीरे धीरे क्या हुआ, जितने भी dead organisms है वो transformed हो गए into petroleum and natural gas under the absence of air and presence of high temperature and high pressure. क्योंकि नीचे जाते जाते क्या हुआ, एयर का एब्सेंस हो गया, देन प्रेशर भी इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर भी हाई हो गया. सो इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स. तो नेक्स्ट क्या है, देखो द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर यूजुअली फाउंड मिक्स विथ सॉल्ट वाटर. एंड जो पेट्रोलियम है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज़ लाइटर देन सॉल्ट वाटर एंड हैंस फ्लोट्स ओवर इट. सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 9. द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया from 1991 to 1997. Show the data in the form of a graph. Plot shortage percentage for the years on the y-axis and the year on the x-axis. तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, ईयर गिवन है एंड शॉर्टेज गिवन है. 1991 से आपको 1997 तक गिवन है. देन यहाँ पर आपको शॉर्टेज का परसेंटेज भी सारा गिवन है. तो आपको सिंपली क्या करना है, ये डाटा को इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ आपको प्लॉट करना है. तो यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा होगा, 91 का 7.9, 92 का 7.8, नेक्स्ट आपका 93 का 8.3, 94 का 7.4, 95 का 7.1, 96 का 9.2 एंड 97 का 11.5. तो ये वाला है आपका ग्राफ जहाँ पे आपने हेडिंग क्या दिया, टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया.